बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मिशन शक्ति कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया गया। इसी के क्रम में विभिन्न विद्यालयों में प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इसी के क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय पाहसू में प्रतिदिन की जो गतिविधियां संचालित की गई उनकी एक झलक स्लाइड शो के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस स्लाइड शो के बाद प्रतिदिन की गतिविधियों को किस प्रकार से कराया गया उसको विस्तार से बताएंगी आपको उच्च प्राथमिक विद्यालय पाहसू की सुगमकर्ता श्रीमती दिव्या गुप्ता। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ और इस कार्यक्रम की संपूर्ण गतिविधियों का आनंद लीजिए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी के द्वारा समस्त उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 2020 यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत संचालन किया गया है, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर ब्लॉक रामपुर मनिहारन में यूपीएस पाहनसू मर्ज में भी यह कार्यक्रम संचालित किया गया है, जिसमें मैं वहां पर श्रीमती दिव्या गुप्ता सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ और मैं इस कार्यक्रम में सुगमकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। आइए चले कुछ जो बालिकाओं द्वारा यह कार्यक्रम की अपनी प्रस्तुतिकरण दी गई है उसको हम आप सबके साथ साझा करें। बच्चों ने इस तरह से प्रस्तुत किया है, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की मुझे है तलाश, हर कदम मेरी सफलता की ओर। बच्चों में जो उत्साह है उसके द्वारा बच्चों ने अपने टैलेंट को इस तरह से प्रस्तुत किया है, जो कुछ सीखा आओ बताएं, कुछ और सीखे बढ़ते जाएं। हमारा दिनांक 17 तारीख में बच्चों को वीडियोस प्रस्तुतिकरण दिया गया टीचर द्वारा आईसीटी के माध्यम से। यहाँ बच्चों को 18 तारीख में सुरक्षा एवं संरक्षा के बारे में बताया गया, जिसमें बच्चों ने वायु ऊर्जा और सभी प्रकार से पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करा जा सकता है और उसकी संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, वही सब मेथड्स, वही सब तरीके इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर हमने आख्या प्रस्तुत की है, जो कि बच्चों ने 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच जो भी कार्य बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मिशन शक्ति 2020 आख्या, महिला सशक्तिकरण अभियान, यूपीएस पाहनसू मंच, महिला सशक्तिकरण गीत, मीना मंच की बैठक और इसी के साथ बच्चों के द्वारा प्रोग्राम्स जो चलाए गए हैं 17 से 25 तारीख तक, जो कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित किए गए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब हम सबका एक ही नारा, नारी सशक्तिकरण को सफल है बनाना। यहाँ पर अध्यक्षता, जो कि हमारी अध्यक्षता नेहा करणवाल कक्षा 8 की छात्रा द्वारा की गई। इसका समापन करते हुए सभी अभिभावकों, रसोई और छात्र छात्राओं के हस्ताक्षर भी लिए गए। इसी के साथ पॉक्सो एक्ट 2012, ये बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ अपना प्रस्तुतिकरण दिया। इसके बाद पॉक्सो के ऊपर बच्चों ने कुछ कविता लिखी,
जो कि है बेफिक्र बचपन जब खौफ जदा हो जाए, उम्र नहीं वो कि खुद भी समझ पाए, हर छुअन को अनदेखा करना, बिना जाने कि यूं पल पल का मरना। भूली थी मैं गुड बैड टच कहाँ था पता, यकीन मानो पर ना थी उसमें मेरी कोई खता। इसके बाद बच्चों ने अगले ही दिनांक को मौलिक अधिकार के विषय में प्रस्तुतिकरण दिया। इसमें बच्चों ने सभी मौलिक अधिकारों का विवरण दिया। इसी के साथ बच्चों ने यह भी बताया कि ह्यूमन राइट्स को जब कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में फ्रेम किया गया, तब उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा गया, जो कि हमारे अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं। इसके बारे में कुछ बच्चों ने विवरण दिया। उसके बाद बच्चों ने अगले ही दिनांक को डोमेस्टिक वायलेंस पर भी अपना प्रस्तुतिकरण दिया। डोमेस्टिक वायलेंस पर बच्चों ने ये भी लिखा, नहीं सहना है अब किसी का अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का यही है मुख्य विचार, जिसे कि हम घरेलू हिंसा भी कहते हैं। घरेलू हिंसा के बारे में बच्चों ने ऐसे कॉम्पिटिशन में भी भाग लिया, जिसमें बहुत ही अच्छा जो प्रदर्शन किया गया वो कक्षा 5 की आरती के द्वारा किया गया। उसका कई सारे बच्चों ने इसमें प्रस्तुतिकरण दिए थे, जिसमें ऐसे कॉम्पिटिशन में जिसका हमें बहुत अच्छा लगा वो हमने यहाँ पर चस्पा किया है। इसके बाद अगले ही दिनांक में बच्चों ने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर भी बहुत सुंदर सुंदर चार्ट्स बनाए। यह चार्ट सबको बहुत ही पसंद आया, जो कि यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें COVID-19 के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि डूज जो कि हमें करना चाहिए एंड डोंट्स जो हमें नहीं करना चाहिए। इनको एक्सप्लेन कीजिए। वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हमें हाथों को किस तरह से और बहुत अच्छे से विदिन 20 सेकेंड्स तक हमें कम से कम धोना चाहिए, वो कैसे, और ये सब बच्चों ने प्रस्तुत करके बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया है। उसके बाद कीप सोशल डिस्टेंसिंग, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, 2 गज की दूरी कम से कम हमें रखकर तभी कुछ भी कार्य करना चाहिए। इसी के साथ बच्चों ने अपनी बैठक भी का भी पालन किया था, सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए बच्चों ने ये सब कार्य बनाया और करा। उसके बाद है वियर मास्क, मास्क पहनना जो हमें नहीं करना चाहिए, अवॉइड क्राउड, हमें भीड़ से दूर रहना चाहिए, भीड़ में नहीं जाना चाहिए और वहाँ पर अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। प्रैक्टिस नमस्ते, हमें हैंड शेक नहीं करना चाहिए, हमें नमस्ते हाथ जोड़कर ही अपना संबोधित करना चाहिए किसी को। अवॉइड टचिंग आईज, और हमें एकदम से, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम हर चीज़ को टच करते हैं, तो एकदम से हमें अपनी आईज को भी टच नहीं करना चाहिए, अपने बॉडी पार्ट्स को एकदम टच नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हेल्थ इज वेल्थ, बच्चों ने एक छोटी सी पोयम लिखी जो कि कक्षा 2 के बच्चों द्वारा लिखी गई। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गी। इसके बाद समानता का अधिकार, यानी मौलिक अधिकार के बारे में बच्चों ने बताया, सॉरी, जो कि हमारी लैंगिक समानता से भी में भी सम्मिलित है। लैंगिक समानता में लड़का और लड़की में कोई भी डिफरेंसेस ना किए जाएं, उसको लेकर बच्चों ने इसमें अपना विवरण दिया है, अपने व्यूज दिए हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता, राइट टू इक्वालिटी भी इसी का एक पार्ट है। प्रेरक प्रसंग, बच्चों ने एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किया है। ओके, उसके बाद अगले ही दिन बच्चों ने सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के बारे में बहुत ही सुंदर चित्र बनाए, जिसमें प्रथम हमें हमारी कक्षा यहाँ पर दिया और दीपांशु कक्षा 3 में, इन 2 बच्चों ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाए जो कि बहुत ही सबको पसंद भी आया। एंजॉय द सेफ्टी ऑफ जॉय, खुद पर भरोसा रखो और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, डिफेंड योरसेल्फ। आत्मरक्षा पर बच्चों ने कुछ लाइंस भी लिखी। कुछ बच्चों ने आत्मरक्षा का पाठ बाबा बचपन में पढ़ाओ, बिटिया को लूडो से पहले जूडो सिखाओ, ये कुछ कविता है। हिरनी है ना मोरनी है, अपने पापा की शेरनी है, नजरें अपनी बचा के रखना, नियत अपनी साफ रखना, कोई क्या करे उसकी रखवाली, तुम असुर की वही दुर्गा वही काली। इसी के साथ बच्चों ने आखिरी दिन 25 तारीख को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण पर अपने बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए। इस चित्र में कक्षा 7 की साक्षी और अंशी ने सभी चित्र को सम्मिलित करते हुए बच्चों के लिए क्या उत्पीड़न है और बच्चों के क्या अधिकार हैं, सभी कुछ इसमें शामिल किया। शारीरिक उत्पीड़न के बारे में यहाँ बताया गया, कैसे बड़े बच्चों पर शारीरिक उत्पीड़न कर रहे हैं, बाल विवाह जो कि गलत है, बाल श्रम जो भी गलत है, बच्चों से मजदूरी नहीं करानी चाहिए, यौन उत्पीड़न जो कि यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया है,
उसी के साथ बच्चों के अधिकारों के बारे में यहाँ विवरण दिया गया है। जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार, ये सब बच्चों के अधिकार हैं जो बच्चों को बालपन से ही मिलते हैं। इसी के साथ मनोरंजन का अधिकार, आवास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार और बाल श्रम जो कि जुर्म है, ये सब यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। इसी के बाद बच्चों ने कुछ स्लोगन्स बताए, तो बच्चों के स्लोगन्स भी यहाँ शामिल किए गए। और इसी के साथ कुछ छोटे बच्चों ने ललित छंद भी लिखे जो कि ये हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दे दो अधिकार सही, हमेशा बड़ों की मनमानी हमको स्वीकार नहीं, खेले कूदे धूम मचाएं हम बच्चों का नारा, खुलकर बचपन को जीने दो यही अधिकार हमारा। इसी के बाद सबसे लास्ट में ये सुगमकर्ता दिव्या गुप्ता द्वारा महिलाओं के अधिकार के बारे में कुछ विवरण दिया गया जो कि आज के करियर को देखते हुए लिखा गया है कि अपने करियर को लेकर गंभीर हैं सभी महिलाएं, हालांकि मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न, स्त्री द्वेष और लिंग असमानता इनमें से ज़्यादातर के लिए जीवन का हिस्सा बन गई है। ऐसे में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और उन्हें इसके बारे में पता भी होना चाहिए, जिसके तहत ये अभियान चलाया गया है। और इसी के साथ कुछ बच्चों ने, छोटे बच्चों ने इसका कवर पेज बंद करते हुए मीना की 3 इच्छाएं भी प्रस्तुत की हैं जो कि हैंड वॉश प्रॉपरली, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड यूज़ ऑफ सैनिटरी लैट्रिन्स। थैंक यू।